जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के एक रिकॉर्ड पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताएं दोस्तों, 4 अक्टूबर साल 1996 में पाकिस्तान के सबसे युवा बल्लेबाज रहे शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था। सिर्फ 37 गेंदों में शतक पूरा करके शाहिद अफरीदी पूरी दुनिया में छा गए थे। शाहिद अफरीदी ने जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। आज दोस्तों की यह सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके थे, लेकिन अब करीब 24 साल बाद उनके इस रिकॉर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको दे दे पूरी जानकारी की बड़ी बात यह है कि शाहिद अफरीदी के इस रिकॉर्ड पर उनके ही एक ट्वीट से सवाल खड़े हुए हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने जन्मदिन के दिन अपने चाहने वालों को धन्यवाद देते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं आज 44 साल का हो गया हूँ। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक अफरीदी की वर्तमान उम्र 41 साल है। दोस्तों, यहीं से हेर फेर का मामला शुरू हो रहा है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि अफरीदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि उनका जन्म 1975 में हुआ था, जिसके हिसाब से वह आज 46 साल के हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में साफ किया था कि सबसे तेज शतक लगाने के दौरान मैं 16 साल का नहीं बल्कि 19 साल का था। अलग अलग जगहों पर अपनी उम्र के आंकड़े में हेरफेर को लेकर वह अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उनके फैंस भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। अगर शाहिद अफरीदी की उम्र 46 साल है तो वह वनडे में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी नहीं रहे, क्योंकि अफगानिस्तान के उस्मान घनी ने साल 2014 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 143 गेंदों पर 118 रन बनाए थे। तब उस्मान की उम्र 17 साल 242 दिन थी। ऐसे में अगर शाहिद की उम्र तब 19 साल थी तो उस्मान घनी वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ऐसे में सवाल खड़े होना तो लाजमी सी बात है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप शाहिद अफरीदी की इन बातों पर, कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे और लेटेस्ट अपडेट के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।